हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वाला थाल पोश डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन है और बनाने में बिल्कुल आसान है। तो चलिए स्टार्टिंग करेंगे। शुरुआत करेंगे 6 चेन से। स्टार्टिंग में 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तीन चेन लेनी है। 1 2 3, 19 डबल क्रोशे और बना लेंगे बीच में सर्कल में। तो टोटल हमें इसमें 20 डबल क्रोशिए बनाने हैं, तो दो हो गए, 18 और बनाने हैं। तो ये 20 डबल क्रोशिए हो गए, जोड़ लेना है। और अब हमें 20 के 40 डबल क्रोशिए बनाने हैं, हर एक में 2 डबल क्रोशिए, इस तरह से। इस पर वापस 2, सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिए। इस तरह से 40 डबल क्रोशिए होने चाहिए सेकंड राउंड में। एक ही जगह पे 2 बना लेने हैं। ये देखिए, तो ये देखिए सेकंड राउंड में 40 डबल क्रोशिए बना लेने हैं। और अब इसे स्लिप स्टिच से बांध लेना है, जो स्टार्टिंग में चेन ली थी उनसे बांध लिया स्लिप स्टिच से। अब यहाँ पर हम 7 चेन लेंगे। सेवन, और बीच में 3 डबल क्रोशिए छोड़ देने, फोर्थ में बांध लेना है। सिंगल क्रोशिए से भी बांध सकते हैं और स्लिप स्टिच से भी। तो इस तरह का आना चाहिए बॉक्स। वापिस से 7 चेन ले लेंगे। और फोर्थ वाले में बांध लेंगे। फिर 7 चेन। इस तरह से इसके मैं 10 पार्ट करूंगी, 10 पार्ट होने चाहिए। तो ये देखिए इसके 10 पार्ट कर लेने हैं। अभी हम इसमें डबल क्रोशिए बनाने शुरू करेंगे। एक में 8 डबल क्रोशिए बनाएंगे। चार हो गए, 3 चेन ले लेनी है और फिर 4 बनाने हैं। नेक्स्ट में दो चेन बीच में।
इस तरह से ये राउंड बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेना है, और एकदम बराबर काउंट करके सब में बनाएंगे तो झोल भी नहीं आएगा इसमें। देखिए कितना सुंदर डिजाइन आ रहा है। तो इस तरह से ये राउंड ले लेंगे। नेक्स्ट राउंड बताएंगे। नेक्स्ट राउंड में हमें स्लिप स्टिच लेने हैं और यहाँ आना है बीच में। स्लिप स्टिच लेके बीच में आ जाना है। और यहाँ पर चार चार डबल क्रोशिए बनाने हैं, आठ डबल क्रोशिए, चार इधर के, चार इधर के, बीच में दो चेन, तीन चेन, तीन, चार, चार हो गए। फिर दो चेन ले लेंगे। फिर सेम होल में ही बनाने हैं हमें चार और। फिर दो चेन ले लेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे। वही आठ बनाने हैं, दो चेन लेके बीच में। तो ये राउंड इस तरह से बनेगा। तो ये देखिए ये राउंड भी हमारा हो गया है। ये देखिए अब हमें इसे भी जोड़ लेना है, दो चेन यहाँ पे लास्ट में लेके। इस तरह से अभी हम वापस दो डबल क्रोशिए स्लिप स्टिच लेंगे। ये दो छोड़ देने, और थर्ड वाला है जो इससे बनाना शुरू करना है। ये दोनों छोड़ देंगे। दो हो गए और बीच में तीन बनाएंगे, एक, तीन हो गए। या देखिए तो ये टोटल पांच हो गए। अब दो चेन लेंगे और बीच में तीन और बनाएंगे, यानी बीच में टोटल छह बनाने हैं हमें। और ये दो इसके बना लेंगे। तो ये टोटल पांच और पांच इधर, पांच इधर, बीच में दो चेन, तो ये टोटल 10 है। तो इस राउंड में हमें 10 बना लेंगे, दो चेन ले लेंगे बीच में। धीरे धीरे चेन भी हमारी बढ़ती जाएंगी। तो इन दो राउंड में मैं दो ही चेन ले रही हूँ। वापिस से हम यहाँ के दो छोड़ेंगे, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे तीसरे वाले से। और तीन बीच में, फिर दो चेन, फिर तीन बीच में और दो उधर के।
तो ये देखिए इस तरह से आएगा, ये यहाँ से छोड़ देना है और यहाँ से बनाना शुरू करना है, बीच में बनाना है। बीच में दो चेन लेनी है, तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया वाला भी मैंने पूरा कर लिया है राउंड। अब नेक्स्ट में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो इसी तरह से हम स्टार्टिंग में 2 छोड़ देंगे और 3 चेन लेके थर्ड वाले पे, और फिर 3 तो ये बनाएंगे, 3 बीच में। इसी तरह से हम हर एक राउंड में डबल क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे, हमारे डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे, और इसके बाद वाले राउंड से हम यहाँ पर एक एक छोड़ेंगे। अभी हम 2 छोड़ रहे हैं, फिर हम एक एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे स्टार्टिंग में। तो इस तरह से डिजाइन ये बना लेंगे, और जितना बड़ा आपको थाल पोश बनाना है, टेबल मैट भी बन जाएगी इसकी, टेबल मैट बनानी है, जो भी बनाना चाहें उस हिसाब से आप बना सकते हैं, आपको जितना बड़ा रखना है उस हिसाब से। तो इस तरह से कंटिन्यू बना लेना है। तीन हो गए, 2 चेन ले लेंगे, और फिर हम 2 छोड़ के थर्ड वाले से ही शुरू करेंगे इसमें, इस राउंड में। नेक्स्ट राउंड से हम 1 छोड़ के फिर नेक्स्ट में शुरू करेंगे, और इसी तरह से सेम बड़ा बनाना, जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से बनाते जाएंगे। तो ये देखिए ये डिजाइन इस तरह से आता जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से कंटिन्यू बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए अगर हम काउंट करके बराबर बनाएंगे तो बहुत अच्छा डिजाइन आएगा, झोल भी नहीं आएगा, और ये बिल्कुल सही बनेगा। और कंटिन्यू बनाने के बाद अब हम इसमें दूसरा कलर ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो सेम इसी कलर में और भी बढ़ा सकते हैं, या इतना ही रखें तो आप यहाँ पर दूसरा कलर भी इसकी फिनिशिंग में लगा सकते हैं। अब हम इसमें एक दो राउंड ग्रीन कलर के ऐड करेंगे, एक राउंड या 2 राउंड कर सकते हैं, और अगर साइज ज़्यादा बढ़ाना है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लेंगे। सर्कल में बनाना है तो सीधी साइड में बनाना है, ताकि एक जैसा डिजाइन आता रहे।
इसमें 12 थे तो अभी हम 13 बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थालपोस हमारा बन के तैयार हो गया है। इस तरह से हम इसे बना के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल आसान डिज़ाइन है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।